बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जनाब एक रिएक्शन वीडियो लेके आपके साथ हाजिर होने जा रहा हूँ। रिएक्शन ऐसा ना कि आपको मज़े ही आ जाएंगे। मेरे साथ रहना आप लोगों ने, वीडियो को पूरा देखना है और मज़े लेने हैं सही टिका के। जद्दा में जनाब हमारे बड़े भाई अब्दुल मालिक फरीद साहब एंड फजल भाई, वो जनाब हमें दिखाएंगे जद्दा में वो क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें खरीद रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कौन सा पाव बड़ा और पाव भाजी और इंडियन फूड खा रहे हैं। ज़रा हम भी तो देखें। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने रहना है मेरे साथ, आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो लंबी होनी है लेकिन मैंने भी इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो पूरी की पूरी जनाब आप लोगों के साथ शेयर करनी है ताकि आप लोगों को भी स्वाद आए और रिएक्शन की वीडियो जो है ना वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करते रहना है, ठीक है। बाकी की जनाब मैंने देखा है, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है ना, मैं कितनी भी मज़ेदार वीडियो बनाऊं लेकिन वो लोग जो है ना वो देखते नहीं है खान जी, तो इसलिए मैंने सोचा यार क्यों ना रिएक्शन पे भी काम किया जाए। तो आज जनाब हम रिएक्शन पे काम करने जा रहे हैं और आप लोगों ने सही मज़े लेने हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, मेरे साथ रहना है। मैं ज़रा ये हैंड फ्री श्री लगा लूँ ना, क्योंकि ये ज़रूरी होता है ना हैंड फ्री लगाना। तो बाकी देखते हैं। हाँ मुझे याद आया, जो मैंने वो तो आपको बताया नहीं यार, जो हमारे दोस्त नए हैं हमारे चैनल पर, ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना और बेल आइकॉन का बटन भी दबा देना ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। हैं हाँ जी, नई नई वीडियो बनाते रहना, व्लॉग श्लॉग रिएक्शन सारा कुछ आएगा, पंजाबी उर्दू सब कुछ। तो आइए चलते हैं हम अब्दुल मालिक फरीद भाई के पास और फजल भाई के पास और उनसे पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। आइए फिर हैं अच्छा, मैं वैसे पाकिस्तान से हूँ और मैंने कभी पाव भाजी नहीं खाई। और ये पाव भाजी है कहाँ की? मुझे तो लगता है बम्बई की है। मैंने तो सुना दिल्ली की है। दिल्ली के वो छोले भटूरे हैं? नहीं है। भाईजान कौन सा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सलाम फरीद और आज हम लोग इंडियन फूड ट्राई करने जा रहे हैं स्ट्रीट फूड के स्टाइल में, और वो भी जद्दा में एक नया कॉन्सेप्ट तैयार हुआ है। गाड़ी में ही आपको बिठाते हैं, जिसका नाम है बम्बई ऑन व्हील्स। बम्बई ऑन व्हील्स जद्दा में जनाब एक नया रेस्टोरेंट मिला है, तो वहाँ जा रहे हैं साहब। फजल भाई के पास जाएंगे पहले, मुझे लग रहा है। मैं फजल भाई के पास आ चुका हूँ और अभी हम लोग जाएंगे मैंगो सेक्शन में। मैंगो डोमिनी इनसे भी मिलेंगे आदित भाई, मेरे लिए भी एक कार्टन सीधा थोड़ी डिमांड ही नहीं करती है। सुभान अल्लाह यार, जद्दा बड़ा सोना है यार। ये अजीजिया की मोस्ट फेमस जगह है, यहाँ पर कबाबिश, मेहरान, निराला और ये जायका, और यहाँ पे काफी सब्जियों की दुकानें, पाकिस्तानी सामान भाई यहीं से मिलता है। देखें आम यहीं पे सामने ही नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मांगो भाई जान कौन सा है? कौन सा? 50। ये सिंदड़ी है? ये कौन सा? हाँ, लेकिन यार ये पाकिस्तानी कितने की है ये एक पेटी भाई? 45। इसमें कितना होगा तकरीबन? डेढ़ किलो, दो किलो, इस तरह का आम? तीन किलो कार्टन, तीन किलो यहाँ के तो हम लोग तरस जाते हैं। और ये चक्कर लगा लो, सिंधी कितने के पड़े? 5.5-6 किलो हैं ये वाले। क्या ख्याल है, एक पेटी लें, टेस्ट करें, फिर बाकी लें अगर लें। आविद साहब ने कहा था पूरा लेके आओ, पूरी एक पेटी एक। हाँ लेकिन मजेदार ना निकला तो यार। मुझे वो भाई तो आमों के एक्सपर्ट बन गए ना।
यार अक्सर एक्सपर्ट ही धोखा खाते हैं। चलें जी ले ली पेटी हमारे आम की। सबसे खूबसूरत बात ऊपर पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है। लात मारे इसको लात मारे यार। यार ये लात मारते हैं इनकी गाड़ी की डिग्गी खुल जाती। फजल भाई माशाल्लाह कमाल गाड़ी है। फिर वो बम्बे व्हील पे जाएंगे। सही है इंशाल्लाह। इससे तो भूख नहीं मरेगी बस। ये तो सिर्फ नहीं, ये टेस्ट क्या है। इसने जाके मैदे पे खारिश भी नहीं करनी है। अच्छा आप दुबई में हो, सऊदीया में हो, हम लोग इंडियन पाकिस्तानी इतना मिल के रहते हैं। अब देखें पाकिस्तानी आम खाने के बाद हम लोग खाना खाने जाएंगे इंडियन, तो इधर कोई फर्क नहीं होता। बिल्कुल कोई फर्क नहीं होता इंडियन पाकिस्तानीज में। हम लोग बिल्कुल एक जैसे बन के रहते हैं यहाँ पर। ये सारे फर्क हमारी गवर्नमेंट और ऊपर लेवल के लोगों ने समझाए हुए। नहीं नहीं ये मैंने जो लाया था वो है। प्लेट भी आ गई है, छुरी भी आ गई है, मैंगो भी है लाल होने के लिए। लेकिन फरीद भाई जो हैं बिजी हो गए हैं कॉल। मैंगो सामने हो, छुरी भी हो, सब कुछ हो और फरीद भाई वेट करवा रहे हैं। चले फजल भाई मुंह में पानी आ रहा है। चेक करते हैं पहला मैंगो। थोड़े से चीटे फजल भाई की तरफ गए हैं। मुंह में पानी आ रहा है बस। यार वाकई ये अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा होगा होगा मजे का। क्यों आप हंसे? श्योर ऐसे ना निदामत हो। निदामत नहीं होगी। ये जो वाइट आया है ना बीच में इसने थोड़ा सा टच खराब किया है। लेकिन बॉस वो पूरा नहीं काटते आप? टेस्ट तो कर लो ना। अच्छा अच्छा हाँ चलो ठीक है। अच्छा है लेकिन वो बात बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान वाली। नहीं यार बाय द वे बहुत है। हो सकता है दो दिन रखें फिर अच्छा हो जाए। ये अलग बात है यार। आप भी खाएं। चलो थैंक यू वेरी मच। देखें मैं कितना अच्छा हूँ। थैंक यू जी। बिल्कुल कोई मशक नहीं है। नहीं ब्रो मजे का है लेकिन वो चीज उससे तो बहुत दूर है। बहुत दूर है उससे। क्या वजह है? चौंसा ही है फिर भी वो चीज नहीं है। क्यों यार? मुझे लगता है ये इन्होंने ना पकाया नहीं है सही जिस तरह इसको वो पाकिस्तान में पकाते हैं ना। बॉस कौन सी कढ़ाई है जो आप इसको पकाएंगे? नहीं यार ये पकता है तो इसको पकाना कैसे तो मुझे नहीं पता। भाई कह रहे हैं पकाएं आई हैव नो आईडिया। यार रख दें ना उसमें क्या नाम आप कहीं पे भी ऐसे छुपा के रख दें तो पक जाता है दो दिन। हाँ पड़ा रहेगा गर्मी में ये पक जाता होता है। वही ना कुछ ना कुछ तो टेस्ट होना चाहिए था इसमें। पीला भी इतना जल्दी हुआ है। वो वाला तो था ग्रीन था और उसका इतना टेस्ट था वल्ला कसम से। शायद ये ज्यादा टेस्टी हो क्योंकि ग्रीन है। चेक करने? हाँ कर ले। मैं तो तैयार हूँ, मैं तो खा रहा हूँ। अब इसको मोड़े थोड़ा निकलेगा इसके अंदर से जूस। ओए ओए नहीं 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 इस तरह अब हो गया जो होना था। अब वो गलत हो गया जो होना था कि वो सारा चीजें उसके ही इसको उसके अंदर होना चाहिए था। अब इसको आइसक्रीम के साथ खा लें। ये भी इसका भी वही टेस्ट है 100%। लेकिन वो चम्मच के साथ अलग मजा है इसका। बस ये चम्मच के साथ वो बर्गर बच्चे खाते हैं हम नहीं खाते। कैसा है? उससे अच्छा है। नहीं ब्रो बर्गर बच्चे जो होते हैं उनको सिखा रहे हैं जरा चम्मच के साथ खा के। फरीद भाई नहीं यार चम्मच नहीं हमारे हाथ खराब नहीं होते। हम खराब करके फिर साफ कर लेंगे। बकरा ही खिला रहा पाते हैं। ये उससे थोड़ा अच्छा है। अच्छा ये देखे ना ये जितना वाइट होगा ना उतना कम मजे का होगा। खट्टा खट्टा आएगा। जितना येलो होता जाएगा एक्सपेरिमेंट उतना ज्यादा मीठा होता जाएगा। अब इस वाइट वाले को रख देंगे हम लोग दो दिन के लिए। रख देते हैं साइड पे रख लें तो येलो हो जाएगा। हाँ इंस्टाग्राम स्टोरीज देखना फिर आप। इंस्टाग्राम का प्रमोशन साथ में हो गया। अच्छा ब्रो ये कौन सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अभी? वो जो कह रहे थे आप टेबल लगाते हैं ये ब्रो रेस्टोरेंट के अंदर। रेस्टोरेंट नहीं है वो एक फूड ट्रक है ना। फूड ट्रक जैसे वो फूड ट्रक्स वाली हम लोगों ने बनाई थी वीडियो उसी तरह का ट्रक है। उसी टाइप का ट्रक है और हाईवे के ऊपर। अच्छा कौन सा हाईवे किस जगह? जद्दा मक्का। अगर आप जद्दा से मक्का की तरफ जा रहे हैं खासकर एयरपोर्ट से जब आप जा रहे हैं मक्का की तरफ तो लुलु हाइपरमार्केट देखी हुई आपने?
उसके फौरन बाद। चलें जी, हम लोग यहाँ पर इस फूड ट्रक के पास पहुँच चुके हैं और फजल भाई ने कहा है ये लोग व्हील्स के ऊपर सर्व करते हैं, यानी कि आप गाड़ी में बैठे होंगे, गाड़ी में ही आपका खाना लगा देंगे और इनकी थोड़ी सी मेकिंग देखते हैं। ओ वाओ, इसमें हम डालते हैं बीट, कैप्सिकम, टमाटो। अच्छा, वाह, मिसालेदार, शानदार, मिसालेदार फूड। अच्छा, मैं वैसे पाकिस्तान से हूं और मैंने कभी पाव भाजी नहीं खाई, आज पहली बार ही खाने जा रहा हूं। इंडियन फूड मैं इतना ज़्यादा खाया नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी जो फूड है वो मैंने खाया है, तो इसलिए ये पाव भाजी भी मेरी आज पहली बार। वो जो हमने उधर खाया था वो क्या था? वो बड़ा पाव था। पाव भाजी, बड़ा पाव, ये सारे नाम एक दूसरे से मिलते हैं ना। ये पाव है, लेकिन ऑनेस्टली इंडियन खाने भी बहुत मज़े करते हैं, ज़बरदस्त। मैं तो इधर रास्ता लगा में होटल छोटे हैं, एक छोटे मोटे ताज रेस्टोरेंट है, वहाँ से सही से घुमा रहे हैं। ये सारे सीन हम लोगों को सऊदी अरेबिया में देखने को मिल रहे हैं। ये पानीपुरी आ गई है जी। यार मुझे तो फील होने लग गया है कि मैं इंडिया में आया हूँ। बस इंडिया का वीज़ा लगवाएं फिर। इसमें ये चूल्हा जलाए, इसमें क्या बनाने वाले हैं भाई? छोले भटूरे। भटूरे तो अंदर बनेगा, छोले बनेगा। भटूरे, हाँ भटूरे, हाँ लाहौरी छोले। मुझे नहीं पता वो सलीम। अच्छा? सलीम भाई के लाहौरी छोले। उससे ज़्यादा मज़ा आएगा, उससे ज़्यादा मज़ा आएगा ना करें यार। मैंने वैसे दिल्ली जाना है, देखें दिल्ली में चांदनी चौक जामे मस्जिद के पीछे जो मार्केट है उधर जाके मैंने जाके ना खाना ट्राई करना है, वो वाला टेस्ट आएगा तो फिर मज़ा आएगा। मुंबई का टेस्ट, मुंबई का टेस्ट। आप बम्बई से हैं? किस जगह से? बम्बई में बांद्रा। बांद्रा से? मैं तो इतना इंटरेस्ट से पूछ रहा हूँ जैसे मैं कहता हूँ। तैयार है अभी? अच्छा, इसके वो दूसरी साइड में क्या रखेंगे? भटूरे। अच्छा, इनके यहाँ यूनिक एक्सपीरियंस ये होता है कि आपको गाड़ी में बिठा के खिलाते हैं। वैसे भी टेबल्स होते हैं इनके पास, लेकिन हम लोगों ने ये वाला एक्सपीरियंस करना है कि गाड़ी में बैठ के खाएं। ये हमारे आगे छोले भटूरे, छोला भटूरा, पानीपुरी, पानीपुरी। ओके, ये उसका खट्टा, ये बड़ा पाव, वाह, और ये पाव भाजी। पाव भाजी, और ये साथ में बना दे टिशू। वाह यार, वेट टिशू भी दिए हैं साथ में। स्वीट लस्सी। अरे यार, लस्सी साथ में। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मजे मजे। फिरोज खान? गुल खान। नाम आपका पठानों वाला है, आप इंडियन है? इंडियन मैं पठान नहीं है। हाँ, ये बात भी है। शाहरुख खान, ये सब खान तो उधर ही है। हाँ, ये बात तो है। चलें जी, सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं पानी पूरी। ये आ गई हमारी पानी पूरी, ये है पूरी और इसमें है इसका पानी। ये होते हैं यार एक्सपेरिमेंट्स। ना गीली है पूरी। बिस्मिल्लाह यार, अरब कंट्रीज में जब देसी टच आता है ना, बड़ा मज़ा आता है। सीरियस, इसमें आलू डाले हुए हैं तो चस आ जाती है, और भुजिया वगैरह डाली हुई है, इसमें अनार है, और साथ में जब खट्टा लगा के खाया ना, जो मज़ा आया है मैं कहता हूँ छोड़ दो गला। और हाँ, ख़ास तौर पे हरी मिर्च। अली अली बुटापा है ना, ये होते हैं एक्सपेरिमेंट्स यार, इस तरह के व्लॉग्स होने चाहिए। टच आता है ना फौरन से, मैं इस तरह के चाह रहा हूँ, जो मतलब मैं करता हूँ। ओह थैंक यू। व्हाट इज दिस? दही पूरी। दही पूरी? यस, यू हैव पानी पूरी। चलें जी, पानी पूरी हमने खाई है, अब ये दही पूरी देखे गए। ये दही पूरी के लिए? वाह यार भाईजान, वो टिश्यू मिल जाएंगे? टिश्यू दे दें, टिश्यू। यार ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि यहाँ पे आपको गाड़ी में सारी सर्विस मिल रही होती है। थैंक यू भाई। ये जनाब आला दही पूरी लेके आए हैं, और इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर वही पानी पूरी की तरह ही जो माल था वही है मटेरियल,
और अंदर ये बहुत सारा लिक्विड डाला हुआ है, अनारदाना भुजिया वगैरह, और ये सही एकदम टेंडर हुआ हुआ है और दही डाली हुई है इसके अंदर, तो इसको बस सीधे ही जाने दें। इसमें प्याज भी डाले हुए हैं, दही भी, मजे का छोड़े बॉस, मैं इतना मजा आ रहा है। फजल भाई सबर ना कर, मजेदार नहीं कर सका चाहेगा, मुंह में इतना पानी जो आया है बॉस। यार ये चम्मच के साथ कौन खाता है? मैं, बिस्मिल्लाह। फजल भाई कैसा दिया, मजा आया ना? बहुत मजा। एक और, वो हम मेन डिश की तरफ जाने से पहले दही पूरी ज्यादा टेस्टी थी ना, ये ज्यादा मजेदार है क्योंकि इसमें दही भी है, प्याज भी है, वो सारे ना, और हरी मिर्च भी टिका के डाली है, उसमें हरी मिर्च कम है। ये आपको मिर्ची की शिकायत है? आप वो नहीं ना यार, सिंपल है, इसको इसमें डाल के खाओ, ये तो दोबारा मजा ले रहे हैं आप। मिर्ची तो मुझे भी पसंद है, गलती कर दी, मजा आता फिर सर। ओ आई डोंट थिंक वी, ओ कितना खाओगे यार फजल भाई, ये फ्रीज वाले के साथ आने का ये बड़ा फायदा है, इतना खाओगे मत, यार हम लोग थोड़ा सा खा लें और पहचान गए हैं तो बहुत ज्यादा कदर करते हैं। थैंक यू सो मच उस चीज के लिए, थैंक यू, मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार। लेकिन यार ये बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस है कि आप यहां पर टेबल लगा के वीआईपी, हां हां हां, टेबल को आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, सब अपने कंट्रोल में है बस, सब अपने कंट्रोल। मुझे लगता है आपको ज्यादा क्लोज कर दिए टेबल, नहीं नहीं ठीक, मैंने सीट असल में फुल पीछे की थी, लेट के खाए। चलें जी, अभी बारी है पाव, ये बड़ा पाव की, यार बड़ा पाव और साथ में एक और भी लेके आए हैं बर्गर टाइप कुछ, देखें ना बस, अब आप लेट के खाएंगे लेट। ये जना पहला बड़ा पाव और इसके अंदर मिर्ची छोड़ दी हुई है, मस्ती कर, मिर्ची को आउट ऑफ कंट्रोल रखा हुआ है यहाँ पर कि जा जा जाके मजे कर ले। इसको कैसे खाएं यार, अपने फजल भाई के लिए भी बचाना है, ये देखें अंदर एक ही दिया इन्होंने, हाँ लेकिन ये दो दिए, ये एक नया आइटम लेके आए, ये दो दिए, ये अभी खाते हैं दोनों, लेकिन पहले इसको मैं एक ट्राई कर लूँ, आप छोड़ देना। थोड़ा सा खुश्क है लेकिन मजे का, मिर्ची सांप की तरह भाई, मुझे खाओ तो सही, मजे का लेकिन थोड़ा सा खुश्क है, थोड़ा ड्राई फील होता है लेकिन मजेदार है। वो जो आपको एक जैसी टच वाला, वो जो इसमें बड़ा डाला हुआ है ना, ये वड़ा पाव, हाँ जो खाया था वहाँ पर। लेकिन ब्रो अगर इंडिया में खाने का इसका अलग मजा नहीं होगा? इंडिया में तो यार ओरिजिनल वहाँ से ऑथेंटिक मिलेगा बॉस, हम लोग छोले भटूरे ट्राई करके फिर पाव भाजी खाएंगे, ठीक है? ये मुझे लगता है बम्बई की ऑथेंटिक डिश है पाव भाजी, अगर ऐसे ही है तो मुझे बताना है यार इसका पाव भाजी कहाँ की है ओरिजिनल, नहीं ये छोले भटूरे दिल्ली के हैं इतना इसका मुझे पता है। वो हमें शाहरुख खान भी देख रहे हैं वहाँ से, छोड़े यार वो तो घूर है। छोले भटूरे ये टेस्टी, अच्छे हाँ अच्छे हैं, मतलब आपको भूख लगी हो और आपने छोले भटूरे ही खाने हो तो अच्छे हैं। इसके नीचे भी कुछ रखा हुआ है, अचार, नीचे अचार दिया हुआ है यार, अचार मेरे यार, और साथ में प्याज, ओ जब इसको अचार के साथ में यार इंडियन खाना हो, अचार चटपटा ना हो, अचार खट्टा साथ में प्याज और मिर्ची, आहा मजेदार, अचार के साथ देसी टेस्ट, क्या बात है। व्लॉग आप लोगों को, ये क्या है, ये पूरी है, ये भटूरा, सब्सक्राइब भी करना है, काफी मोटा बना हुआ है, लाइक भी करना है, एकदम खस्ता पतली मुझे भी करनी है यार। भाई फजल भाई अपना नया तजुर्बा जब तक ना करे ना मजा नहीं आता, मजा नहीं आता इनको। ये इसके अंदर, ये अंदर छोले डाल दिए, अब पक्का अचार और अनियन डालेंगे इसमें। ओहो अचार यार खट्टा, वो नीचे ना गिर जाए, चटपटा, हाय हाय हाय, अब देख साथ में प्याज, ये आपको सही टच देगा, आखिरी देसी टच है ना, मजेदार यार, जल्दी पाव भाजी खाना है। सॉरी मजे लेने बैठ गए, माइंड ब्लोइंग फूड व्लॉगर ऐसे ही होते हैं भाई।
भाई ने हम लोग मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कैमरा बंद करने के बाद ओरिजिनल मजे लेते होते हैं। इस टाइम पे हमने टेस्ट करके आपको बताना होता है और वीडियो की लेंथ भी छोटी करनी होती है। Exactly. इसको साइड पे करें फिर खाते हैं बाद में कंटिन्यू। अब जनाबे आला ये मेन आइटम हमारी आ गई, सिग्नेचर आइटम। यही चीज़ उन्होंने वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा दी। हालांकि इतना मुझे अंदाज़ा है कि इंडिया में पाव भाजी हर रोड पर होती है, बम्बई में ख़ास तौर पर हर रोड पर होती है, और मजदूर आते जाते यानी कि कम बजट वाले पाव भाजी खाते हैं सुकून से। हाँ, वहाँ पे वैसे ही वो चिकन मटन और इन चीज़ों का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है ना। अच्छा, ये पाव देखे ना, यहाँ पे पाव जैसे वो बना रहे थे आपने देखा था, इसको भाजी के ऊपर बनाया था बड़ा ज़बरदस्त, जो रोस्टेड थी, और साथ में जो इसका यहाँ पर बटर लगा हुआ है ना, ये काफ़ी मुझे लग रहा है कि एकदम मुझे सही किक देगा। और ये वाला मैं हिस्सा लेता हूँ, एक तो बहुत नरम है ये पाव जो बना हुआ है, और वाइट ब्रेड है ये, और इसको लगाते हैं हम लोग, ये सारा मटेरियल मुंह में पानी आ जा रहा है, इसको लगाएं भाजी के साथ। ये आ गई भाजी, और इसके ऊपर थोड़े से अनियन डाल देते हैं एक्स्ट्रा, ये अनियन आ गए, और लेमन जब एक आपके निवाले पे आ जाए और साथ में हो मेरा डायलॉग कि ये जो फूल जैसा नवाला बन गया है ना, आह मजेदार, बहुत ज़बरदस्त। बस जो आपने स्टोरी टेलिंग की है, मुझे इतनी भूख लगी है। बहुत ज़बरदस्त है यार ये। ये जब आप खाते हैं ना, आपको सही वो फील होता है कि आप एक मील खा रहे हैं, ठीक है, और वो भी वेजिटेरियन मील। आपको पता है कि ये वेजिटेरियन है सारा खाना। तो अगर मेरे इधर बैठ के मेरी ये हालत हुई है तो उनकी क्या हालत होगी, अल्लाह ही बेहतर जानता है। उनसे पहले एडिटिंग में मेरी हालत होगी। एडिटिंग करते हुए भाई जो चीज़ जिस चीज़ की मैं एडिटिंग कर रहा होता हूँ, ख़ास तौर पे पुलाव बिरयानी पे, वही चीज़ जाके लेके मुझे खानी पड़ती है। नहीं नहीं, इट्स वेरी खास तौर पे मेरा भी यही हाल है। इंडिया में कुछ इंडियापन सा। हाँ बिल्कुल, एकदम देसी टेस्ट है। जबरदस्त ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं? नहीं, हम मैं तो स्पाइसी खाने वाला हूँ, हम लोग तो स्पाइसी खाने वाले हैं। और कुछ चाहिए बोलना है? बस आपकी दुआ चाहिए, इंशाल्लाह दुआ तो मिलेगी। बहुत शुक्रिया, वाकई टेस्टी है ये, अच्छा है। एक वो क्या नाम है अपना, वेजिटेरियंस के लिए ना अच्छा। अच्छी ऑप्शन है। अच्छा। अब मैं आपको कहूँ कि ये मीट से ज़्यादा मज़ेदार है, ये नहीं हो सकता। वेजिटेरियंस ये जो हमारे भाई को तो नहीं कह सकते कि मीट से बेहतर। अच्छा मुझे ब्रो ये बताएं, इसके अंदर मैं बायस्ड हूं मीट के बारे में, मीट के मुकाबले में ऑफ कोर्स, लेकिन ब्रो ये बताएं कि ये बिनता किस चीज़ का, टमाटर है ना बस। टमाटर दाल वगैरह, ओ मेनू भी भूख लगी जांदी है यार। वो बता देंगे नीचे कमेंट्स में। हां नहीं सीरियसली, पाव भाजी में क्या क्या पड़ता है यार, आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है। पाव भाजी है कहां की? मुझे तो लगता है बम्बई की है। मैंने तो सुना दिल्ली की है। दिल्ली के वो छोले भटूरे हैं? नहीं, चलो देखते हैं नीचे कमेंट्स में, इंडियन भाई लोग बताएंगे। मुझे नंबर वन पे लगा है उनका इंडियन भाई लोग, हमें भी बताइएगा यार। दही पूरी थी ना कि ये कहां के छोले भटूरे और दही पूरी थी ना, वो नंबर वन पे मुझे लगा है। उसके बाद छोले भटूरे और ये बराबर है, बहुत अच्छे हैं। हाँ, और एंड में बड़ा पाव। मैंने ये कि एक्सपीरियंस जो है ना, दैट्स हाँ एक्सपीरियंस डिलीशियस, एक्सपीरियंस यूनिक है, मज़ा आता है आपको काफ़ी अच्छा यार। वो वाला एक टच सही मिलता है आपको इंडिया वाला, ये चीज़ पक्की है कि इंडिया वाला टच आपको मिलेगा यहाँ पर बैठते हुए। ये चीज़ें हमारे लिए मिसिंग थी, लेकिन यहाँ पर जो है ना इन्होंने प्रोवाइड किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने जरूर बतानी है कि इंडिया के कौन से और ज़्यादा फेमस खाने हैं जो हमें ट्राई करने चाहिए ज़रूर, जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं और यूनिक हो, और यूनिक भी हों। ऑफकोर्स हैदराबाद के भी कोई हैं खास? हैदराबाद बिरयानी यार, बिरयानी उनकी आखिरी है। हाँ, मैं जब भी इंडिया आया इंशाल्लाह मैंने हैदराबाद जाना है, और मेरी मोस्ट फेवरेट डिश जो है ना देसी खाने में बिरयानी। अच्छा। हाँ बिरयानी, कढ़ाई वढ़ाई हर चीज़ बाद में आती है, बिरयानी हैदराबाद। और हैदराबाद में ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह, जब भी इंडिया आया अल्लाह करे के आऊँ तो बिरयानी हैदराबाद की भाई मैंने ज़रूर खानी है। अच्छा, हमारे लिए ये मीठी लस्सी भी लेके आए थे, अल्लाह ताला इनको खुश रखे। मैं तो मीठे का बिल्कुल फ़ैन नहीं हूँ। मैं भी नहीं नहीं
चलें फिर ये वीडियो भी नहीं है। नहीं 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 पीरियड नहीं 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 वैसे हाँ गलत बात है अगर गिफ्ट आप रिजेक्ट करते। यार हम लोगों ने लस्सी वाली स्ट्रॉ पेप्सी में लगा दी है। वही मैं कह रहा हूँ इतनी मोटी क्यों है ये पेप्सी वाली स्ट्रॉ लस्सी में। चलो साले ना मीठी लस्सी। यार आप भी इंतज़ार में ही हैं। यार अच्छी है मीठी लस्सी ऑथेंटिक है। बहुत एक आइडिया है यार इनके टेस्ट ऑथेंटिक है। अब पेप्सी इसमें ना डाल। ये आपके उल्टे आइडियाज जो है ना। नहीं अगर पेप्सी अगर इसमें डाल के हम लोग पिए क्या हो यार पेट में कुछ अजीब ही ना हो जाए। तो वैसे अभी जो आपने पिया है पेट में जाके मैं अपनी जिम की शर्ट लेके आया हूँ यहाँ से वापस जाके मैंने जिम जाना है। लस्सी अच्छी है यार ठंड पैदा की है। अच्छा ये मसालेदार चीज़ें आप खाएं ना ऊपर से ठंडी लस्सी पिए तो एकदम कूल कर देता है। मजा आ जाए। मैं ज़्यादा गोश्त खाता होता हूँ ये चीज़ें मैं हल्की खाता हूँ डॉक्टर ने मना किया। डॉक्टर का नंबर दे मुझे। मुझे भी ऐसा ही कुछ प्रिस्क्राइब कर। डॉक्टर अब्दुल मालिक फरीद। चलें जी खाना खाने के बाद अभी यहाँ पर लिए हमने कॉफी क्योंकि तो फैन है भाई फैन हो गए। जब ज्यादा खाना खा लें तो आपको सुस्ती होने लग जाती है और भाई लोगों की मालिश करने के चक्कर में। मालिश क्यों कह रहे थे उनका भाई? नाराज नहीं हो रहा था वो नीचे कुछ कर रहा था ना गाड़ी तो आप पकड़ के उसकी मालिश कर देंगे। ओ वो ला नहीं 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 वो मालिश नहीं करनी थी वो अच्छा जी चलें या मालिश अरबी में बोलते हैं सॉरी को और घर जाने का टाइम हो गया। आप लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर दें। साइड पे एथे अगर आपने वीडियो देखनी है मजीद तो देख लें नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वो पूछ लें और कौन सा खाना इंडिया मजीद कोई इंडिया का खाना रेकमेंडेड हो तो बताएं कोई डिश हो डिश वो जाके ट्राई करेंगे आपको बताएंगे कि कैसा लगा हमको भैया। चलें जी अल्लाह हाफिज। हाथ नहीं हिला सकता चाय गिर जाएगी कॉफी कॉफी। तो ये था जी आज का वीलॉग और फूडी फूडी वीलॉग। देखें यार मुझे कितना भूख लग रही है। वैसे मुझे मैंने खाना खाना खा लिया था लेकिन फिर भी ये देख के ना अब्दुल मालिक फरीद भाई और फजल भाई के साथ मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं भी इनके साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ लेकिन नहीं भूखियाँ लग रही हैं। आप लोगों से गुजारिश यही है जनाब की वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है और लाइक भी करना है शेयर भी दोस्तों के साथ करना है। वीडियो लंबी है क्योंकि व्लॉग ही लंबा है। अब अब्दुल मालिक फरीद भाई के साथ अगर हूँ उनकी वीडियो का रिएक्शन हो तो फिर लंबे शंबे तो हो ही जाते हैं ना। तो कर देना यार कुछ नहीं होता सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब मजीद वीडियो के लिए इधर क्लिक भी कर देना ठीक है। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त फरीद भाई तो चले गए घर फजल भाई भी और मैंने भी तो जाना है ना मुझे भी इजाज़त दीजिए कुछ खाते भी दें जाके। अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ टेक केयर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कोई ज़बरदस्त सभी लोग हैं। अल्लाह हाफिज़।